नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी बाजार शुक्ल से है। जनपद में जिला बदर अपराधी को मिल रही शरण, स्थानीय प्रशासन है मौन। अमेठी जिला की बाजार शुक्ल थाना अध्यक्ष रविन्द्र प्रताप सिंह का गजब कारनामा है। बादलगढ़ निवासी ग्रामीणों ने जब जिला बदर अपराधी के बारे में उन्हें सूचना दी तो उसे पकड़ने के बजाय ग्रामीणों से बोले उसे खुद पकड़ लो, फिर उसे थाना ले आऊंगा। 2 घंटे तक पुलिस का इंतजार किया गया, तब भी पुलिस नहीं आई। वहीं अपराध को रोकने के लिए जिला से लेकर प्रदेश तक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे थाना अध्यक्ष अपनी कितनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं सामने है। ग्रामीणों को आशंका है कि थाना अध्यक्ष की कार्यशैली से उनको जान माल का नुकसान हो सकता है। जान माल की सुरक्षा के लिए कई ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से की है मांग। अब देखना है कि पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष के कार्यशैली पर कार्यवाही करते हैं या मामला यूं ही चलता रहेगा। अमेठी ब्यूरो चीफ अनिल कुमार दुबे के साथ अमेठी से शिवानी शुक्ला की रिपोर्ट। लाइटिंग मामले को लेकर आए हैं? हमारा मामला है, ये अपराधी है हमारे यहाँ 3 साल पहले जो मामला इंतजार में हुआ था, उस मामले में अपराधी है। वो हमारे गांव में रुक रहता है, मौजूदा हालत में वो डेली पार्टी दूसरे तीसरे दिन आता जाता रहता है मस्जिद के बगल में। कोई भी मामला दोबारा करवा सकता है, इलेक्शन का टाइम है, इस वजह से हमें ऑब्जेक्शन है उसके खिलाफ। वो हमारे गाँव में नहीं, क्या ऑब्जेक्शन है, वो हमारे गांव में नहीं आना चाहिए। किसी शिकायत की आपने पहले थाना अध्यक्ष से? शिकायत हमने सिर्फ ये अपनी